स्टूडेंट आज हम लेसन सेकंड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रेल टेप्ट। सेकंड, हु आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। व्हाई डू सम पीपल वियर स्पेक्टिकल्स। हाउ कैन वी हेल्प ओल्ड पीपल। व्हाट इज अ हियरिंग एड। ओके, लेट्स सी द आंसर। ओके, सबसे पहले हम चैप्टर सेकंड लिखेंगे, पीपल विद स्पेशल नीड्स, देन डेट लिखेंगे। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। आंसर इज ब्लाइंड पीपल यूज द स्क्रिप्ट एंड विच दे मूव देयर फिंगर टू फील डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेज डॉट टू रीड। This script is called Braille. Okay? Next, who are physically challenged people? Answer, people who cannot see, hear or speak are called physically challenged people. Okay? People who cannot see, hear or speak are called physically challenged people. Next, why do some people wear spectacles? When we grow old, our eyes become weak, so we take help of spectacles. Okay? Next, how can we help old people? The most important way to show our love and care for them is to spend time with them. Okay? The most important way to show our love and care for them is to spend time with them. Okay? Yes. Next. What is hearing aid? Hearing aid is a small instrument worn in the ear which amplifies the sound and allows the person to hear more clearly. Okay? Hearing aid is a small instrument worn in the ear which amplifies the sound and allows the person to hear more clearly. Okay? Okay, next, high order thinking skill hai. Why do physically challenged people need encouragement? Okay? So physically challenged people rehte hain, unko encouragement ki kyun zarurat rehti hai? Think karoge aap? Okay? Value based question hai. What should we do for needy और ओल्ड पीपल? ये क्वेश्चन है। आप जो क्या करोगे, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए फॉर नीडी और ओल्ड पीपल के लिए। ठीक है, जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं और ओल्ड पीपल के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाउ कैन वी शो अवर लव फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। हम अपना प्यार फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को कैसे दिखा सकते हैं। Life skills, visit any old age home in your city and spend time with old people. Okay, ये life skill है, visit any old home in your city and spend old age home में जाके old people के साथ कुछ time spend करने है आपको। okay? Now, home assignment project, collect the picture of Indian gold, silver and bronze medal winner of पैरालंपिक 2016 एंड पेस्ट इन योर नोटबुक। ये आपको नहीं करना है, आपको ये थिंक करना है। फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड वी डू फॉर नीडी और ओल्ड पीपल। ठीक है, हम नीडी और ओल्ड पीपल के लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी शो अवर लव फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ओके, व्हाई डू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल नीड इनकरेजमेंट। जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल रहते हैं उनको इनकरेजमेंट की क्यों ज़रूरत रहती है। जस्ट थिंक, सोचिए आप। ओके, क्योंकि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जो हमने रीड किया उसी से रिलेटेड है। तो आपने क्या रीड किया कि आपको समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। ओके, यस, नाउ योर होमवर्क टर्न। आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन आंसर। आपको बहुत सुंदर राइटिंग में डेट वाइज अपनी नोटबुक में लिखना है एंड लर्न भी करने हैं। ओके, लर्न भी करने हैं आपको क्वेश्चन आंसर। ओके, यस, नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।